ये अनबॉक्सिंग है 4G ईवो क्लाउड PTCL डिवाइस की। आज जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ख़ास चीज़ नहीं है, मगर इसलिए अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ कि जिसकी तगड़ तो मुझे करनी पड़ी है वो बहुत थी। 4G ईवो क्लाउड डिवाइस की अनबॉक्सिंग है, ये PTCL वालों की तरफ से है। ये इसके ऊपर जो लिखा हुआ है गैजेट IT का लगा हुआ है स्टैम्प सील, और जो इसके पीछे स्पेसिफिकेशंस में है कि 4G प्रोडक्ट, 4G वो डुअल मोड सपोर्ट, CDMA 2001X EDO रेवोल्यूशन स्टैंडर्ड बी, कनेक्ट्स अप टू 10 Wi-Fi, सुपर सपोर्ट्स माइक्रो एस डी कार्ड अप टू 32 GB, OLED स्क्रीन, माइक्रो USSD शेयरिंग और Wi-Fi, 2800 mAh लियॉन बैटरी जो आपको 8 घंटे तक देती है, मगर मैंने इफेक्टली यूज़ करके देखा है 8.5 तक चल जाती है एक चार्ज पर अगर एक कनेक्शन हो तो। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी विद 9.3 एंड Wi-Fi 802.11 BGN है इसमें। कहानी में ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस डिवाइस हैज़ बीन शॉर्ट एट द PTCL वन स्टॉप स्टोर्स एंड PTCL के दफ्तरों में फॉर द पास्ट 2 वीक्स नाउ। आज 15 दिसंबर है, मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। लिया मैंने ये कल है 14 दिसंबर को लेके आया हुआ था, मैंने कहा अनबॉक्सिंग आपके सामने करूँगा। PTCL में मिलता ही नहीं, जब भी जाओ आपके नंबर लेके रख लेते हैं कि जी हम आपको फ़ोन कर देंगे, मिलता वहाँ पर कोई नहीं। वट एवरी वन इज़ डूइंग कि बाहर बाज़ार में मिल रहे हैं, 3500 रुपये का वो उसका है पैकेज है, ये 3500 डिवाइस के पैसे हैं। 1500 रुपये वाला पैकेज आप लेंगे तो आपसे 5000 रुपये लेते हैं, अगर आप 2000 वाला पैकेज लेंगे तो आपसे 5500 रुपये लेंगे। आपने वहाँ से ये पिक करना है और अपना ID कार्ड लेके आपने फिर दोबारा जाना होगा किसी UFone के ऑफिस में या PTCL के ऑफिस में, वहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रही है, उस पर करेंगे फिर ही एक्टिवेट होगी। तो उसमें ये बताया था कि ये बाहर से कहीं नहीं मिल, और जब मैंने अनबॉक्सिंग देखी है तो आई वॉज इन द नॉलेज की सारी डिवाइसेस जो हैं हुआवी वालों की हैं, मगर ये गैजेट IT का स्टैम्प लगा हुआवी में लग नहीं रहा। मैं खोल के देखता हूँ अंदर डिवाइस कौन सी है, मगर जो हुआवी डिवाइस थी उसके बारे में ये लिखा हुआ था कि वो 5 घंटे का बैकअप देती है, 11 ही कनेक्शन होते हैं। तो अनबॉक्सिंग करके देखते हैं, साइड में PTCL 4G लिखा हुआ है, ये PTCL लिखा हुआ है इन्होंने, सॉरी फॉर द प्लेन ऊपर से आ रहा है। अब खोलने के लिए इसका मैंने खोला हुआ था, ये भी थोड़ा सी ये सील हटा के यहाँ ही खोल दिया। पुल आउट बॉक्स है, सबसे ऊपर इसमें बॉक्स में आपका 4G सिम कार्ड, इसी की बेसिकली एक्टिवेशन होती है इसलिए वो आपका थिंक प्रिंट लेटेंगे, इट डज़ वर्क ऑन अ सिम कार्ड। ठीक है, तो ये 4G सिम कार्ड है आपका, यूज़र मैनुअल फॉर दिस डिवाइस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आजकल लोगों को इतना अंडरस्टैंडिंग हो ही गई है, 2-4 बड़े मिनिमलिस्टिक बटन्स हैं तो हर एक को पता ही है कि इसमें अंदर क्या होगा। फिर भी इज अ डिवाइस, यूज़र मैनुअल फॉर द डिवाइस एंड दिस इज द डिवाइस ओवर हियर, लेट मी गेट इट आउट। ये डिवाइस है LED, ये OLED स्क्रीन कहते हैं इसको, आई डोंट नो, देखते हैं चला के। नीचे इसके USB पोर्ट है जो चार्ज करेगा इसको, पीछे PTCL एंड गैजेट IT ही लिखा हुआ है, डिवाइस ही है ये। इसका री स्टोर करने का या रीसेट करने का बटन है, ये इसका पावर बटन है, और ये 2 एंटीने हैं इनके, 2 एंटीने इसके अंदर हैं, इसका मतलब है कि एक एंटीना होगा 4G के लिए, 3G के लिए, क्योंकि ये बैकवर्ड कंपैटिबल भी है, 3G भी चलता है। इसको साइड पे कर लेते हैं, बॉक्स में और देखना क्या है। बॉक्स में एक है USB केबल, नॉट अ गुड क्वालिटी फजूल जी केबल लगती है, माइक्रो USB केबल उसको चार्ज करने के लिए, डेटा केबल भी कह सकते हैं उसको। चार्जर जो देख लो, मैं कोई भी आप USB यूज़ कर सकते हैं, कोई ख़ास चार्जर लग नहीं रहा मुझे, बाकी जो भी पड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चार्जर है 0.2 एम्पियर वाला, थक्कड़ बिल्कुल, 5 वोल्ट एंड 0.2 एम्पियर वाला चार्जर, घंटों लगाने
वन एम्पियर के टू एम्पियर के जो आपके घर में पड़े हैं उन्हें सी चार्ज कर लेंगे, हो जाएगा चार्ज की बड़ी बात है। ये बैटरी है गैजेट ITB M500 2800 मिली एम्पियर की बैटरी है। चले देखते हैं डिवाइस। अच्छा हाँ, ये मेरी बात है कि मैंने ये एक्टिवेट मैंने करवा लिया था बायोमेट्रिक से करवा के पहले जाके आपको, फिर PTCL का जो आप नंबर देंगे अपना, PTCL के बाद जाकर अपना टेलीफोन नंबर देंगे, उस पर आपका वेरिफिकेशन आएगी बायोमेट्रिकली एक्टिवेट हो गया, फिर आप जाके उस बंदे से कहेंगे 1500 रुपये लोड कर दो तो लोड कर देगा इसमें। स्लाइड मैकेनिज्म है इसका, मैंने आपको दिखाया नहीं, यू जस्ट स्लाइड इट आउट लाइक दिस एंड देन टेक आउट द बॉक्स। ये इसका SD कार्ड रखने का स्लॉट है, जैकेट है, यहाँ पे आप 32 GB तक की माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। ये इसका सिम ट्रे है जहाँ पे सिम की लगाना है हमने, तो ये मैं सिम अलग कर लेता हूँ। ये सिम अगर आपको और तोड़ना चाहते हैं माइक्रो सिम भी, इसको और दबाएंगे तो माइक्रो सिम भी बन जाती है ये, अगर फुल साइज सिम लगेगी इसके अंदर। सो यू कैन इंस्टॉल द सिम, यूँ रख के आपने एंड जस्ट क्लोज इट अप। चले ये साथ उसकी बैटरी डालते हैं, बैटरी में मेरे चार्ज होती है, पावर होती है बैटरी में, लेट्स सी कि यहाँ पे कितना आता है, सिग्नल आपके कितने जगह पे आते हैं। सुना है कि 11 तक देता है अच्छी जगहों में जब सिग्नल आ रहा हो, बाकी वरना 1 से लेके 8 तक MBPS तक इसकी पावर है। इट्स नॉट ट्रू फॉर 4G जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, मगर देखें पाकिस्तानी चीज़ है समथिंग न्यू। मैंने सुना है कि उसमें भी गड़बड़ आना शुरू हो गई है जोंग, जो जैसे कंपेटिटर जोंग वालों का ऑन होता है। PTCL फ्लिकरिंग हकीकत में है नहीं, आपको लग रही है बस आती नहीं है। PTCL इज टर्निंग ऑन, साथ में अपना फ़ोन रखा हुआ है। हाँ, उसका जो आपका यूज़र वर्ड एंड पासवर्ड जो उन्होंने साइट पे दिया होगा वो आप बाद में चेंज कर सकते हैं, जैसे मेरे डब्बे उन्होंने साथ दिया हुआ ये पासवर्ड लिखा हुआ है इसका। तो टर्निंग इट ऑन, नो सर्विस, अब आ गया सर्चिंग लिखा आ रहा है। PTCL 4G एक्टिवेट हो गया, 3 सिग्नल आ रहे हैं मेरे घर पे और ये कनेक्ट है, यानी 4G आ गया लिखा हुआ, उसका कनेक्ट होया हुआ है। अच्छा, अब मैं इसको अपना फ़ोन मैं अपना ऑन कर रहा हूँ, तो गो डाउन टू 5.5। वाईफाई में इसका जो नाम लिखा हुआ है डिवाइस का 4G का, कनेक्ट कर दिया 4G 90 जो भी लिखा आ रहा है। अब जैसे ही कनेक्ट होगा इससे बटन दबा दूँगा, होगा कनेक्ट होते ही देखिए ये मेरा कनेक्ट हो गया। उसके ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बंदा का एक यूज़र है, बंदे की फ़ोटो बनी हुई है और एक लिखा आ रहा है तो यूज़ कर रहा है। अच्छा, ये मैंने खैर घर से बाहर बैठा हूँ तो लेट्स सी कि पावर स्पीड कितनी आ रही है इसकी। कनेक्ट हो गया, वी गोना गोइंग टू स्पीड नेट एंड लेट इट गो थ्रू फर्स्ट, कि खुद ही अपना सर्वर ढूंढ ले अच्छा कौन सा, फाइंडिंग द बेस्ट सर्वर, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। चलो मैं पॉज कर, बेस्ट सर्वर मिलता है तो मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये इसका आ गया बिगिन टेस्ट, कैमरे की भी हाथ भी सही नहीं लग रहा था मेरा, लेट्स सी कितनी स्पीड आती है। पिंग आया है 34, इस वक्त दोपहर के 3-4 बज रहे हैं, 1.88 आ रहा है अपलोड, 1.91 अपलोड आया एंड डाउनलोड इसका अभी देखते हैं कितना आता है। डाउनलोड 0.57। अच्छा, पहले रिजल्ट्स मैंने दिखाए थे, मैंने कल भी चेक किया था उसको थोड़ा सा, तो मेरे कमरे में जो बाहर की तरफ रखूँ तो 11.31 एंड 6.35 भी आया। तो इसका मैं भी देख लेता हूँ कि कहीं सेटिंग्स में कोई मसला है, देखो UFO वालों का जो होता है ना सर्वर वहाँ पे बेहतर टेस्ट देता है, मैं देख लूँ पहले कौन सा सिलेक्ट हुआ है। इस्लामाबाद टेलीनोर लाहौर होस्टेड बाई QB लाहौर वारटेल। अच्छा, मैंने भी कौन सा सिलेक्ट किया हुआ था, इस्लामाबाद PTCL पे आया हुआ, वहाँ पे ज़्यादा स्लो चलेगा ये, हम इसको इस पे चेक करते हैं। 3G पे है तो वहाँ पे सही पावर आएगी इसकी,
तो इस्लामाबाद यू फोन, ये इस्लामाबाद यू फोन है, इसको सेंटर बना के देखते हैं एंड देन विल चेक द पावर स्पीड अगेन. नो थैंक्स, जस्ट अगेन. थोड़ी सी बेहतर है, वही तकरीबन 1.9 Mbps है, मगर ये घर में पीछे की तरफ रखें और ऑफ पीक टाइम्स में, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले ही, 11 के करीब जो मैंने आपका पिछला है उसमें 11 भी देती है, मगर अभी दिमाग में रखें कि 1 और 5 के बीच में ही देगी, पीक टाइम्स में कम देगी. और चूँकि ये 1500 रुपये वाला वो था पैकेज था, एक सिग्नल आ रहा है, सर मेरा शायद इसलिए भी कम ही हो रहा हो, पीछे ज़्यादा सिग्नल आते हैं, पिछले घर में कभी 2 आते हैं, तो ज़्यादा 3 होगा तो ज़्यादा स्पीड होगी. तो मैं बता रहा हूँ 11 तक गई है मेरी. तो बस ये अनबॉक्सिंग थी छोटी सी मूवी की.